हेलो फ्रेंड्स, पेटीएम वालों के लिए थोड़ी देर पहले जो है एक गुड न्यूज आई थी, राइट, कि पेटीएम बोर्ड टू कंसीडर शेयर बाईबैक ऑन December 13। सो यानी बाईबैक अप्रूवल आने वाला था, तो उसकी वजह से पेटीएम के चार्ट में एक उछाल आया था। यानी ये लो बनाया था करीब करीब 444 का, वहां से ये जो है ऊपर की तरफ गया 544, यानी 100 पॉइंट वहां से ऊपर की तरफ निकला था। पेटीएम में बड़ी गिरावट देखा गया था आईपीओ आने के बाद। आईपीओ जो है करीब 2150 में इसकी जो है आईपीओ प्राइस था, और कंटिन्यू गिरना शुरू हुआ, और इसने जो है 450 का लो बनाया, अभी 544 चल रहा है। और ये भी इसलिए चल रहा है प्राइस ऊपर क्योंकि ये बाई बैक के न्यूज की वजह से। लेकिन अब बैड न्यूज क्या हो सकती है, तो यहां पे कुछ न्यूज निकल के आ रहा है। पेटीएम कांट यूज आईपीओ प्रोसीड्स फ्रॉम बाईबैक, कंपनी स्ट्रॉन्ग लिक्विड टू बी यूज। यानी जो इनको आईपीओ से पैसा आया था उससे, उन पैसे से ये जो है बाईबैक नहीं ला सकते हैं। ये बैड न्यूज है जो है पेटीएम के लिए। तो यहां पे बहुत सारे यहां पे डिटेल्स दिए गए इसके, कि भाई कंपनी अगर पैसा यूज करती है जो पेटी आईपीओ से जो है पैसे आए थे उसको बाईबैक में यूज करती है, तो वो जो है सही नहीं होगा। इसके पास जो लिक्विड पैसा है, जो इनके पास प्रॉफिट से आया हुआ पैसा है, उन पैसों को यूज कर सकती है कंपनी, राइट। तो देखते हैं अभी आगे क्या आता है, जो है इनके बोर्ड बैठक होगा उसमें डिसीजन होगा कि भाई बाईबैक करना है या नहीं करना है। तो ये एक निगेटिव न्यूज हो सकता है पेटीएम के लिए, जो अभी ये उछाल देखा गया है, शायद ये फिर से कन्वर्ट हो जाए गिरावट में, अपने लो पे वापस से आ सकता है। तो देखते हैं कि इसका रिएक्शन मंडे को कैसा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं मंडे को।